हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं कार गुरुजी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मई 2024 की हमारे भारत की 10 लिस्ट यानी कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही इन सभी कार्स की लेटेस्ट टेक्स और रूम प्राइजेस भी आपको बताएंगे। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10th पोजीशन पर आई है सिट्रोएन की C3, जिसकी 155 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और इस हैचबैक की स्टार्टिंग एक्सरूम प्राइस है 6,16,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट के लिए 9,00,000 रुपीज तक जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है MG ग्लोस्टर, जिसकी 135 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और इस SUV की स्टार्टिंग एक्सरूम प्राइस है 38,80,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट के लिए 43,87,000 रुपीज तक जाती है। आगे बढ़े तो 8th पोजीशन पर आई है सिट्रोएन की C3 एयरक्रॉस 125 यूनिट्स के साथ। और इस SUV की स्टार्टिंग एक्सरूम प्राइस है 9,99,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट के लिए 14,11,000 रुपीज तक जाती है। नंबर 7th पोजीशन की बात करें तो वो है टोयोटा की कैमरी, जिसकी 122 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और ये लग्जरी सेडान हमारे भारत में 46,17,000 रुपीज की एक्सरूम प्राइस पर अवेलेबल है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी 102 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और ये SUV हमारे भारत में 35,17,000 रुपीज की एक्सरूम प्राइस पर अवेलेबल है। आगे बढ़े तो 5th पोजीशन पर आई है जीप की मेरिडियन, जिसकी 75 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और इस SUV की स्टार्टिंग एक्सरूम प्राइस है 33,77,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट के लिए 39,83,000 रुपीज तक जाती है। नंबर 4th पोजीशन की बात करें तो वो है Hyundai की आयोनिक 5, जिसकी 42 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और इस इलेक्ट्रिक SUV की हमारे भारत में एक्सरूम प्राइस है 46,05,000 रुपीज। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मरेजो, जिसकी 16 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और इस गाड़ी की स्टार्टिंग एक्सरूम प्राइस है 14,59,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट के लिए 17,00,000 रुपीज तक जाती है। नंबर 2nd पोजीशन की बात करें तो वो है किया की EV6, जिसकी 15 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और इस इलेक्ट्रिक SUV की स्टार्टिंग एक्सरूम प्राइस है 60,97,000 रुपीज एंड टॉप वेरिएंट के लिए 65,97,000 रुपीज तक जाती है। और अब बात करें मई 2024 की हमारे भारत की सबसे कम बिकने वाली कार के बारे में, तो वो है स्कोडा की सुपर्ब, जिसकी 4 यूनिट्स बिकी है मई 2024 में पूरे भारत में। और ये सेडान हमारे भारत में 54,00,000 रुपीज की एक्सरूम प्राइस पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी मई 2024 की हमारे भारत की 10 सबसे कम बिकने वाली कार्स। एंड इनमें से कौन सी कार इस लिस्ट में आना डिजर्व नहीं करती, ये आप लोग हमें कमेंट्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।